हाय दीपेंद्र सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया भाई। सर, बच्चों की एक क्वेरी आती है कि एडवांस मैथ्स ही क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे इसकी तैयारी करें, इतना डर इतना खौफ है बच्चों के बीच, थोड़ा सा इस पर आप बताइए सर। देखो, जितना जादू है ना वो सारा अरिथमेटिक में दिखाते हैं लोग, है ना जी। जितना भी परसेंटेज का फ्रैक्शन हो गया, जो भी चीज़ें हैं तो वो आपके अरिथमेटिक में लगती हैं। एडवांस ऐसा है कि उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही ट्राइंगल दिखता है, क्वाड्रेटर दिखता है, बच्चों के दिमाग हो जाते हैं बंद जी। ठीक है, एडवांस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक बच्चा जानता है कि भैया अगर SSC निकालना है तो मैथ्स कितना इम्पोर्टेंट है जी। या CDS निकालना है तो मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं, आप अपना स्कोर बना सकते हो जी। या किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें आपका मैथ्स आता है, और अगर उस मैथ्स में अगर आपका एडवांस सेक्शन है अरिथमेटिक में, तो हम कंफर्टेबल होते हैं, बच्चे कर लेते हैं, कैसे ना कैसे कर लेते हो। लेकिन एडवांस में उन्हें दिक्कत हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्री में उन्हें समझ में नहीं आता भैया साइन थीटा कैसे हो गया, ये सारी चीजें, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है जी। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चे जो है एडवांस में ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए, इसलिए हम लोग लंबी लंबी क्लासेस ला रहे हैं। जैसे आपने प्रीवियस वीक भी देखा होगा कि हम एक लंबी क्लास लेकर के आए थे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम हर एक वीक में, जो वीकेंड आपका आ रहा है उसमें हम लोग ये एडवांस मैथ्स का सेक्शन लेकर के आ रहे हैं। इसमें मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा भी इसमें उसका फायदा हो जो सीखना चाहता है, मतलब जो जिसको कुछ भी नहीं आता, और उस बच्चे का भी फायदा हो जिसको प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम अपने पास आ गए हैं तो हम लोग चाहते हैं कि ये कंप्लीट एक तरीके का रिवीजन हो जाए बच्चों का, उनका एलजेब्रा के जितने भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ज्योमेट्री के या फिर मेंसुरेशन के, जितने भी आपका एडवांस का पोर्शन है, तो कंप्लीट इसका रिवीजन करा रहे हैं हम लोग। और इसकी क्लास, एक मैराथन क्लास लेकर के हम लोग आ रहे हैं 14 मार्च को दोपहर 12 बजे ऑनलाइन वेंचर्स के यूट्यूब चैनल पर, तो बिल्कुल जुड़ना एकदम ना भूलें। तो सर, जिस बच्चे ने पढ़ाई अभी शुरू करी है, क्या उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये क्लास? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के तो क्लास होगी नहीं। Okay, मतलब मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि एक सवाल दे दिया उसको अपन ने सॉल्व कर, देखो मुझे तो आता है जी, है ना, मुझे आपको सिखाना है, बच्चों को सिखाना है, ठीक है जी। तो मैं पहले उसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि भैया ये आया कहाँ से है, फिर मैं इसके बाद उस सवाल को सॉल्व करके बताऊंगा जी। तो जिन बच्चों को स्टार्ट से शुरू करना है बिल्कुल वो आ सकते हैं, इस क्लास में ले सकते हैं। थोड़ा सा ये होगा कि उनको ऐसा लगेगा कि ये जैसे बीच बीच का कॉन्सेप्ट आ गया कहीं से, है ना, मिक्स, तो मिक्स प्रैक्टिस करना ज्यादा अच्छा होता है जी, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा तो है नहीं कि सारे सवाल ज्योमेट्री के मिलने हैं या एलजेब्रा के मिलने हैं या मेंसुरेशन के मिलने हैं, वहां तो मिक्स रहेगा, एक अरिथमेटिक का आ गया, फिर एक ज्योमेट्री का आ गया, फिर एक एलजेब्रा का आ गया। तो इस तरीके से हम लोग भी उसी तरीके से तैयारी करा रहे हैं जिस तरीके का आपका कॉन्सेप्ट एग्जामिनर फॉलो करता है। सर, एक बार वो टॉपिक्स भी बता दीजिए ताकि बच्चा तब तक देख ले उन टॉपिक्स को एक बार, और 14 को जब आए तो थोड़ा पढ़कर आए। बिल्कुल, हम लोग करने वाले हैं एलजेब्रा, इसके बाद कंप्लीट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, इसके बाद सर्कल, ठीक है। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने वाला हूँ, शेडेड पार्ट वाले सवाल करने वाले हैं वहाँ पर जी। इसके बाद आपका 3D करेंगे कि अगर हम लोग क्यूब को काट देते हैं, है ना, उसके चारों कोनों काट देते हैं तो फिर उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 20 से काट देते हैं, है ना, ऊपर से निकाल लो, साइड से निकाल लो, नीचे से निकाल लो, तो उनके सरफेस एरिया पर क्या फर्क पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन, मतलब जिनमें आपका, मतलब जो लॉजिक्स भर से सॉल्व हो जाते हैं उनके लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है जी जी जी। ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत सारी चीजें, हाइट एंड डिस्टेंस हो गई आपकी, एक क्वेश्चन तो आपका पक्का होता है हाइट एंड डिस्टेंस का, और इतना सरल है, आपने अगर एक बार राइट एंगल ट्राइंगल का ढंग से रेशियो देखा होगा ना जी, कि कितने एंगल पर क्या साइड्स का रेशियो है, तो आप आराम से हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल कर सकते हो, और अगर हाइट एंड डिस्टेंस आपने ढंग से कर लिया तो एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का कहीं नहीं गया जी। बाकी जो 3 आइडेंटिटी है वहां से सवाल कर लेंगे, बाकी जो इधर उधर के सवाल आते हैं, नए नए सवाल जो बनते हैं वो भी करेंगे, ठीक है जी। और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो अगर आपका ज्योमेट्री अच्छा है, ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर फॉर्मूला बेस होता है सारे सवाल। एलजेब्रा में हम लोग जो आपका जितने भी फॉर्मूले हैं, a+b के होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a+b की पावर 5, जो भी फॉर्मूले, उन पर सवाल करने वाले हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, साथ में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको देने वाले हैं, ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम भी मैं एलजेब्रा का सिखाऊंगा, साथ में आपके ट्रिग्नोमेट्री का भी मैक्सिमम मिनिमम सिखाऊंगा, ठीक है। तो कंप्लीट ये पैकेज है, बिल्कुल इसमें जुड़ो आप, हर वीक एंड आप में यहाँ पर क्लास होती है 12 बजे, तो इसमें आप जरूर आओ। और सर, डाउट्स का क्या, बच्चों के तो डाउट्स भी तो आएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए पूरा प्लान है। देखो, डाउट्स के लिए हमने क्या किया है कि टेलीग्राम ग्रुप है ऑनलाइन वेंचर्स का जी, उसमें हमने आपके लिए फ्री कर दिया है कि आप कितने भी डाउट्स पूछो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि या तो मैं उन डाउट्स को सॉल्व करूंगा या जो हमारी टीम है उनसे उन डाउट्स को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आपका कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग एनी एग्जाम, चाहे वो CDS हो, CGL हो, CPO, CHSL, किसी भी एग्जाम का अगर मैथ्स का डाउट है तो आप उस पर जरूर पोस्ट करो, और मैं तो कहता हूं कि आप पोस्ट करो,
ठीक है, और देखो इसको कि आपके डाउट सॉल्व होते कि नहीं होते। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि या तो मैं सॉल्व करूंगा या फिर जो हमारी टीम है उसको सॉल्व करेगी। तो आपने अगर अभी तक ऑनलाइन बेंचर्स के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन करो। थैंक यू सर, तो ये तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है पढ़ने वाले बच्चे ज़रूर इस पे ध्यान देंगे। बिल्कुल, हमारी तो कोशिश यही है कि हमारे लिए देखो सबसे इम्पोर्टेंट आपका सिलेक्शन है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए आपका सिलेक्शन। ये मेहनत जितनी भी हो रही है ना आपके सिलेक्शन के लिए हो रही है। देखो एक बच्चे का क्या होता है कि हमने पढ़ा दिया, एक परसेंटेज हम पढ़ा रहे हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे ने तैयारी करी। अब बच्चा तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक से वो प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, हमारे सवाल लगाएगा जो भी है। इसके बाद उसको डाउट्स पूछने के लिए मिलते ही नहीं कहीं पे, और जब तक मैथ्स में डाउट्स क्लियर नहीं होंगे आपका कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। इसलिए हमने तो आपके लिए सारी तैयारी कर रखी है कि आपको पढ़ाना भी है, क्वेश्चंस भी कराना है, पीडीएफ्स भी देनी है, आपके डाउट्स भी क्लियर करना है। तो अगर मैथ्स में अभी भी आपको डर लगता है और मैथ्स में अगर आपका स्कोर नहीं बन रहा है तो मैं गारंटी ले रहा हूँ इतने जीरो से पढ़ाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे लेवल तक लेकर के जाएंगे उसको चीज़ों को। ठीक है, ठीक है सर, एक बार टाइम और बता दीजिए कब आना है। तो जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है, 14th ऑफ मार्च 2:12 बजे ऑनलाइन वेंचर्स के यूट्यूब चैनल पर। जी जी जय हिंद।